सर, ये मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल ने जो स्टेप लिया है बैन वहाबीज़्म इन इंडिया, ये स्टेप आपको कैसा लगा? जी मैं सबसे पहले तो मेहदी फाउंडेशन को बधाई देना चाहूँगा। आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसी संस्थाओं की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। आप जो युवा हमारे देश के हैं उनको बिगड़ने से बचा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो आजकल गलत राह पे चले जा रहे हैं, कुछ गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके, आप उसे रोकने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ इसके लिए। क्या सरकार वहाबीज़्म को बैन कर पाएगी? देखिए, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये तो आगे की चीज़ है, पर इसे रोकने के लिए पहल करना सबसे ज़रूरी है। इसके लिए यानी कि आप कहना चाह रहे हैं पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट हो, उनको इन्वॉल्व किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए इसके बारे में। जनता के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसी जो भी संस्थाएँ हैं, जैसे जितनी भी लश्कर ए तैयबा, आईएसएस, ये सब नफरत फैलाने का काम करती है, आप इससे बचिए। अपने बच्चों को उनकी इंटरनेट के एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और इन सभी चीज़ों से बचाइए। वहाबीज़्म को इंडिया में बैन क्यों होना चाहिए? इंडिया में क्या वर्ल्ड में बैन होना चाहिए या सिर्फ इंडिया के अंदर ही बैन होना चाहिए? तो पूरे वर्ल्ड में बैन होना चाहिए, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। क्यों बैन होना चाहिए इसको? एक्चुअली देखिए, एक तो टेररिज्म इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है, और हमारे देश से यहाँ से भी आतंकवाद का जन्म हो रहा है, क्योंकि ये वहाबीज़्म फैल रहा है इससे, और इसे रोकना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, और सरकार ही नहीं, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे रोका जाए, इसे बंद किया जाए। सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस पर आप ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसे रोकने के जल्दी जल्दी कड़े से कड़े कदम उठाइए, इसे रोकिए। थैंक यू सर।